चो लेट सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेट ए बी अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन फ्रॉम ए टू ए इज एंड आउट ऑफ दीज आर ऑन टू फंक्शन. तो हमें दो क्वेश्चन पूछे गए इस क्वेश्चन के अंदर. पहला तो हमें द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन फ्रॉम ए टू ए बताने हैं और दूसरा उनमें से जो ऑन टू फंक्शन हमें वो बताने हैं. ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा की कंसेप्ट होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले उसके बारे में बात करते हैं. पहला तो ये हमें समझना पड़ेगा ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है. अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, देखो लेट से हमारे पास कोई भी सेट ए एंड सेट बी है, हमारा फंक्शन ए टू बी डिफाइन है. अब ए में हमारे हैं 1, 2 एंड 3 एलिमेंट और बी में हमारे हैं ए बी और सी. लेट से 1 ए पे डिफाइन है हमारा, 2 बी पे एंड 3 सी पे. सो अब ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, जो हमारे इस फंक्शन की रेंज आएगी वो सबसेट होनी चाहिए इस फंक्शन के कोडोमेन की. अब कोडोमेन क्या होती है, ये हमारी कोडोमेन होती है, ये कोडोमेन और रेंज जो ये एवरी फंक्शन मैप होना है. और ऑन टू फंक्शन और क्या बोलता है, इसके सारे फंक्शन मैप होने चाहिए ए से बी बी में, तो इसका यूज करने वाले हैं. और सेकेंडली हम करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक यूज. तो हमें इसमें पता है, चलो क्वेश्चन में देखेंगे पीएनसी का यूज और करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर. अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर. पहला पार्ट सॉल्व करते हैं हम, ये वाला द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शन क्या दे रखा है. ए सेट है, बी सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट. अब हमें ए टू ए डिफाइन दे रखा है, फंक्शन हमारा है ए टू ए डिफाइन. तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये ए है हमारा, उसमें एलिमेंट है 1, 2 अप टू n. सिमिलरली अब ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है हमको, ए टू ए में डिफाइन है. तो यहाँ पे आएंगे एलिमेंट 1, 2 n तक, दोनों में n एलिमेंट है. अब देखो ए टू ए डिफाइन है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 की वैल्यू 1 आ सकती है और 1 में इसका 2 भी मैप हो सकता है, 2 से 3 एंड सो ऑन. मतलब कि 1 के कितने सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, n सॉल्यूशन. सिमिलरली 2 के भी n सॉल्यूशन आएंगे एंड सो ऑन अप टू एन तक, सबके एन सॉल्यूशन आने वाले हैं. सो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एन टू द पावर एन. अब सेकेंड की बात करें, क्या पूछा है, इनमें से एंड आउट ऑफ दीज आर ऑन टू फंक्शन. अब इनमें से ऑन टू फंक्शन कौन कौन से होने वाले हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए हर कोई एक एक से मैप होना चाहिए, मतलब कि एन थिंग से ही मैप होनी चाहिए. तो इसके लिए परम्यूटेशन कम्बिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं, अगर हमारी एन थिंग्स से मैप होगी तो उसका क्या आंसर आएगा, एन फैक्टोरियल. सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो इसका क्या निकल के आने वाला है, इसके ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, वो होने वाले हैं हमारे एन फैक्टोरियल. सो दीज आर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.